सुनना यार, वो मनोज है ना, वो कह रहा है कि तेरे ऑफिशियल्स ने उसे बहुत पीटा और अब वो हॉस्पिटल में है। क्या बात कर रहा है बड़ी, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, गुंडे नहीं हैं हम, सिर्फ बात की है उससे। एग्जैक्टली, और यही बात मैंने मेघा और उसकी फैमिली को कही है। चल एनीवे, थैंक्स। हॉस्पिटलाइज कैसे हुआ? कहाँ चले गए थे तुम दोनों? हाँ, क्या करना चाहते हो, क्या कर रहे हो तुम सब? मेगा बरसेंगे सीरियल के आने वाले एपिसोड में यहाँ पर हम देखने वाले हैं कि भाई बहुत जल्द यहाँ पर मनोज की सच्चाई हमारी मेगा और सभी घर वालों के सामने आने वाली है। अब तक एपिसोड में जितना हमने देखा था, हमें ऐसा लग रहा था कि चलो भाई फाइनली अब मनोज की सच्चाई मेगा के सामने आ गई है। यहाँ कहानी में हम देख सकते हैं कि भाई किस तरह से दोबारा से हमारी मेगा मनोज की बातों में आने वाली है। अरे वो बेचारा माफी मांग रहा है ना। अरे मेगा पुत्र, सबको ऐसा मौका नहीं मिलता अपना रिश्ता बचाने के लिए, वरना गोल्डी और जस्सी जैसे बनकर रह जाएगी। देख पुत्र, तू बहुत किस्मत वाली है, तुझे मौका मिला है, बचा ले अपना रिश्ता पुत्र। कोई कुछ बोलता क्यों नहीं है, समझा ना? उसने कहा वो दिवाली पर आएगा, हम मान ले। उसने ये भी कहा था कि वीजा लगवा के देगा। फिलहाल अब तक हमने देखा था कि किस तरह से यहाँ पर मेगा को सारी सच्चाइयों का पता चलता है कि भाई वो जो मैसेजेस उसे आ रहे थे वो किसी बैंक वाले की तरफ से नहीं बल्कि एजेंसी की तरफ से थे जो कि लोन देते हैं। और यहाँ पर मेगा पहुंच जाती है उनके ऑफिस में और इस बार मेगा को पता चल गया है कि भाई उसके बैंक अकाउंट से जो भी पैसे कट रहे थे वो सिर्फ और सिर्फ मनोज की वजह से कट रहे थे, क्योंकि मनोज ने ऑलरेडी 10 लाख रुपए का लोन लेकर रखा था। और इसी के साथ यहाँ पर मेगा को हम मान भी गए थे, लगा नहीं जज्बात में इंसान अंधा हो जाता है। मेरा बेटा, इस झूठे रिश्ते को हाँ मत करना, मैं हूँ ना, मैं तुझे संभालूंगा बेटा। तू पागल हो गया है, पावर से बातें कर रहा है, पर दे समझा अपने हस्बैंड को। वो कोई भगवान का भेजा हुआ बंदा नहीं है, जो वो कहेगा वो सच होगा। ये भी पता चलता है कि भाई 15 लाख रुपए का लोन किसी और ने नहीं बल्कि मनोज ने मेगा के नाम पर लिया। और ये सारी सच्चाई हमारी मेगा को इस बार पता चल चुकी है, लेकिन अभी भी हमारी मेगा इस बात को विश्वास करने के लिए तैयार नहीं है कि भाई मनोज फ्रॉड है। और इसी के साथ आने वाले एपिसोड में हम देखने वाले हैं। और फाइनली इस बार हमारी मेगा ने डिसाइड कर लिया है कि वो सारी सच्चाइयों को सामने ला कर रहेगी। और इसी के साथ हम देखने वाले हैं कि भाई हमारी मेगा रंजीता यानी अपनी माँ की हेल्प से बहुत जल्द मनोज की सच्चाई सबके सामने लेकर आएगी। और इसी के साथ आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे कि इस बार मेघा अकेले निकल पड़ी है अमृतसर से चंडीगढ़, इतनी दूर बारिश में भीगते भागते पहुंचने वाली है अर्जुन तलवार के घर। जी हाँ, वही अर्जुन तलवार जो पहले आया था इस शहर में फ्रॉड दूल्हे को पकड़ने के लिए। इस बार हमारी मेघा पहुंच जाएगी अर्जुन तलवार के घर। और आपको बता दो कि भाई यहाँ पर हमारे अर्जुन तलवार सर जी जो है वो बिल्कुल अलग ही मूड में दिखाई दे रहे, बिल्कुल रॉकिंग और कूल अंदाज में दिखाई दे रहे। जी हाँ, एपिसोड में हम देख सकते हैं कि भाई किस तरह से वो डांस करते नजर आ रहे हैं, उनका ये कूल अंदाज जरूर आपको भी मेरी तरह पसंद आ रहा होगा। और इसी के साथ आपको बता दो कि भाई कहानी में हमें देखने को मिलेगा कि हमारी मेगा और अर्जुन तलवार के रिश्ते धीरे धीरे अच्छे होते हुए दिखाई देंगे और बहुत जल्द यहाँ पर अर्जुन हमारी मेगा को मनोज के चंगुल से बचा ले। इसी के साथ आपको बता दो कि हमारे अर्जुन तलवार ने मेगा के वीजा के बारे में पता लगा लिया है। और इस बार अर्जुन को कॉल आता है जहाँ पर हमें पता चलने वाला है कि भाई मनोज ने दोबारा से हमारी मेगा के साथ गेम खेला है और बहुत जल्द यहाँ पर मेगा को सारी सच्चाई मनोज की पता चल जाएगी।